फ्रेंड्स, वेलकम टू माई होम स्टाइल कुकिंग। आज हम ये टेस्टी बिना मोयर के बिना गैस जलाए गणपति बप्पा के लिए मोदक बनाने जा रहे हैं, जो बहुत इजी हैं, टेस्टी बनते हैं, झटपट बनते हैं। तो बिना देरी किए झटपट बना लेते हैं रोज़ मोदक। इसके लिए मैंने 2 चम्मच गुलकंद, 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच मलाई, कुछ बादाम के फ्लेक्स और 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा सिरप लिया है। अब एक प्लेट ली है, इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच मलाई डाल दी है, 1/2 चम्मच रोज़ का सिरप डाल दिया है और हाथों से मसल मसल के इसका डो रेडी करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उसी अकॉर्डिंग हम इसमें मलाई और रूह अफ़ज़ा सिरप डालते जाएंगे और इसका स्मूथ डो रेडी कर लेंगे। 1/2 चम्मच मैंने और डाल दी है मलाई और 1/2 चम्मच सिरप डाल दिया है और इसका इसे मसलते हुए हम स्मूथ डो रेडी करेंगे। रूह अफ़ज़ा भी बहुत मीठा होता है, मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, इसलिए हमने इसमें चीनी बहुत कम डाली है, 1/2 छोटा चम्मच के करीब चीनी डाली है। आप चाहें तो मीठा बढ़ा सकते हैं मीठे की मात्रा, और भी कम भी कर सकते हैं। डो बनाकर हमने साइड रख दिया है। अब 1 चम्मच हमने ली है गुलकंद, इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच मिल्क पाउडर और बादाम के फ्लेक्स जो हमने लंबे लंबे काट के रखे थे वो भी ऐड ऑन करके इसे मसल मसल के डो बना लिया है और इस डो से हमने छोटी छोटी 4 से 5 बॉल रेडी कर ली हैं। इसको हम मोदक में स्टफ़ करेंगे। ये हमारी हो गई रेडी स्टफिंग। अब स्टफिंग रेडी होने के बाद हम रेडी करते हैं मोदक। स्टफिंग रेडी होने के बाद अब रेडी करेंगे मोदक। मोदक रेडी करने के लिए जो हमने रेडी किया था ना मिल्क पाउडर से डो, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और छोटे छोटे गोले रेडी कर लेंगे। अब एक गोला लेंगे, इसके किनारों को दबाते हुए, जैसे बचपन में हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और कटोरियाँ बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना किसने बचपन में मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। बिल्कुल वैसे ही हाथों को अच्छे से क्लीन करके गोले के किनारे दबाते हुए उसे पतला कर लेंगे। उसके सेंटर में हम रखेंगे गुलकंद वाली फिलिंग्स और उसके किनारों को हल्का हल्का ऊपर उठाते हुए अच्छे से तलियों में घुमाते हुए शेप दे देंगे। ऊपर से एक चोंच की तरह रेडी कर लेंगे, नीचे से गोला गोल शेप में मोदक की तरह शेप दे देंगे। हमने छोटे छोटे मोदक रेडी किए हैं रोज़ वाले, और जब हम इसे हाथों में घुमाएंगे इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ये और ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी इजी टेस्टी रेसिपी के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम सभी मोदक रेडी कर लेंगे उनमें स्टफिंग डालकर, और उसके बाद हम एक लेंगे, आप टूथपिक की सहायता से या स्पून, नाइफ, किसी की भी सहायता से उसमें छोटे छोटे कट्स के निशान लगा लेंगे। सभी मोदक रेडी करने के बाद हम इसमें हल्के हल्के हाथों से नाइफ, स्पून या जो टूथस्टिक होती है ना उसकी सहायता से निशान लगा लेंगे, जिससे ये बिल्कुल मोल्ड में बने हुए मोदक की तरह लगेंगे। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, एक मोदक लेंगे, इसमें हम टूथस्टिक की सहायता से या नाइफ की सहायता से हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है नहीं तो आपके मोदक सॉफ्ट हैं और टूट सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से कट लगा लेंगे और उस पर वैसे निशान बन जाएंगे। हमारे टेस्टी मोदक रेडी हैं। इस पर हम बादाम के कुछ कतरन लगाएंगे और रोज़ सिरप से इसे गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। गणपति बापा को भोग लगाएंगे और प्रसाद बनाएंगे। आप भी ये रेसिपी ट्राई करिए, सच में बहुत इजी टेस्टी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही और इजी टेस्टी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।